मर्डर ही मानते हैं। ये दो भाई दवाई लेके, वाइफ और ये हस्बैंड वाइफ दवाई लेके वहाँ से नथनपुर से हॉस्पिटल से आ रहे थे। जस्टी जैसे यहाँ से आए तो गाड़ी वाले ने ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के उस पास गाड़ी रुकी क्योंकि गाड़ी है ओवरलोड। यहाँ पे सर धड़ल्ले से अवैध माइनिंग चल रही है, पहले भी काफ़ी मर्डर हो चुके हैं। हमने प्रशासन को लिखित में भी दिया लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। अब इस ये दोनों मर गए हैं, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब क्या होगा सर? अब यहाँ पुलिस प्रशासन आओ खड़ा उठा दो। ये क्या कहाँ का प्रावधान है सर? ये सरकार इसमें लिप्त है, अवैध माइनिंग है सर। ये देखो सर छोटे छोटे बच्चे अवैध माइनिंग के कारण, ओवरलोड के कारण यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और ये मरे। माइनिंग बंद हो रखी है और उसके बावजूद ये चल रही है। खुली चल रही है माइनिंग, खुली है सर यहाँ पे। यहाँ पे माइनिंग खुली है क्योंकि अफसर अफसर लोग जो है पैसा लेके ये काम कर रहे हैं। रात को भी चलता है, दिन में भी चलता है। अब आप इसे देख लो, हमारी सिर्फ एक मांग रहेगी इस डंफर बड़े के खिलाफ भी और जो चालक है उसके खिलाफ और जिस क्रेशर से भर के आई है, क्योंकि माइनिंग तो बंद है, कहाँ से माल आ रहा है। और दूसरा जो इसमें मंत्री लोग हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। स्कूल है सर, बच्चे कभी भी यहाँ पढ़ा जा सकता है। हमने रिक्वेस्ट भी कर ली लेकिन अब हम लास्ट तब उठाएंगे जब हम लिखित में डिसीजन आप यहाँ पे लिखित में देंगे, तब यहाँ से लास्ट उठने देंगे। पुलिस पैसे लेती है, मैं खुला कह रहा हूँ, ऑन चैनल कह रहा हूँ, पुलिस प्रशासन पैसे लेता है और इसमें आरटीओ पैसे लेता है। ओवरलोड भी है सर, इसमें सारे लिप्त है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो और चाहे वो डीसी हो, चाहे वो माइनिंग ऑफिसर हो, आरटीओ। हमारी सिर्फ यही मांग रहेगी कि जो डंपर है डंपर मालिक और जो क्रेशर जिस क्रेशर से भर के आई और जो इसमें माइनिंग ऑफिसर है क्योंकि उसकी देखरेख में चलता है, माइनिंग ऑफिसर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हुआ था एक बड़ी दुखदाई घटना होगी, देवधर गांव में दो मियां बीवी बाइक पर जा रहे थे और इससे अपने जो डंपर चलते हैं उसके साथ एक्सीडेंट हो गया जिसमें दोनों की डेथ हो। सर माइनिंग बंद पड़ी है लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले से उस पर कार्रवाई करेंगे। ये अभी संज्ञान में आया है कि ये उधर माइनिंग जोन से आ रहा था, SHO साहब को बोल दिया, वो DSP साहब भी गए हैं अभी मौके पे और माइनिंग ऑफिसर पे भी। किस पे करवाया? FIR जो ट्रक चालक है उस पर FIR होगी और जिस जिस के नाम जो इनके परिवार के सदस्यों ने जो नाम दिए हैं वो DSP साहब को दे दिए गए हैं और जिस पे बनती हुई कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। फिर बिल्कुल स्कूल इस रोड पे जो दो तीन स्कूल बताए गए हैं इस पे रेलिंग करवा दी हुई है दोनों तरफ, कल या परसों तक रेलिंग हो जाएगी। सर एक बड़ी बात ये थी कि बैरिगेट्स की बात कर रहे थे, जब माइनिंग ही बंद है तो बैरिगेट्स क्यों? नहीं बैरिगेट्स की ये थी कि भाई यहाँ भाई बड़ा व्हीकल नहीं जाना चाहिए, दो तीन स्कूल है इस पर कि ट्रैक्टर ट्राली तक की भी ये गांव वालों का ऑब्जेक्शन था, इस करके हम बंद कर। ट्रक ड्राइवर, ट्रक मालिक और माइनिंग वालों के खिलाफ और एक स्टोन क्रशर वालों के खिलाफ, भाई जहाँ से ये भर के आया है अलीगल माइनिंग है, बिल्कुल कार्रवाई की जरिए मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। माइनिंग बंद थी और उसके बावजूद यहाँ पे ट्रक चल रहे हैं। ये सर चोरी का मामला बनता है, ये रात से कैसे कहाँ से भरी है